हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल देसी मिजाज। हैप्पीनेस इज होममेड। जी हाँ, बिल्कुल होममेड। मैं आज जो लाई हूँ वो भी बिल्कुल होममेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गर्मी बहुत बढ़ गई है। ऐसे में धूल मिट्टी पसीना ये सबसे चेहरा बिल्कुल ही बेजान हो जाता है। आप सभी देख ही रही हैं कितनी गर्मी बढ़ गई है। ऐसे में धूल मिट्टी पसीना ये सबसे स्किन हमारी बिल्कुल डल हो जाती है, बिल्कुल बेजान, चिपचिपा सा, जिसकी वजह से हम बार बार फेस वॉश करते हैं, जो स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल है। फेस धोना बुरा नहीं है, लेकिन फेस वॉश यूज करना बार बार अच्छा नहीं है। ये स्किन की नेचुरल ऑयल को भी हटा देता है और हमारी स्किन और भी ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल बेजान। इसके लिए मैं लाई हूँ बिल्कुल घर का बना हुआ फेस वॉश पाउडर। आइए इसको बनाते हैं, देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए बेसन, जो हर घर में अवेलेबल होता है। ये है मुल्तानी मिट्टी, ये भी आप जानती हैं स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। यह है अम्बा हल्दी या कस्तूरी हल्दी या वाइल्ड टर्मरिक भी इसको बोलते हैं, जो किचन में यूज होता है उस हल्दी को यूज नहीं करना है हमें। ये स्किन के लिए फेस पैक वगैरह में यूज होता है। ये है रोज पेटल पाउडर, ये है चंदन पाउडर, ये है मुलेठी पाउडर, जो रंगत को निखारने में बहुत मदद करता है। ये है। ये रोज पेटल पाउडर इस तरह के पैकेट में आता है। आपको लोकल में अवेलेबल नहीं हो तो ये ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है। और फिर भी अगर आपको ना मिले तो आप इस तरह से ये देसी गुलाब ले सकते हैं, उसकी पंखुड़ियों को तोड़कर छांव में सुखाकर उसको पाउडर बना के रख सकते हैं। आइए इसको बनाते हैं। एक इस तरह का जार लेंगे, उसमें हम लेंगे चार चम्मच बेसन, चार चम्मच ही मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आप बालों के लिए भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। कस्तूरी हल्दी दो चम्मच, दो चम्मच ही रोज पेटल पाउडर, दो चम्मच ही चंदन पाउडर। दो चम्मच मुलेठी पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करके आप रखिए और ये हर एज के लोग यूज कर सकते हैं और हर स्किन टाइप वाले भी यूज कर सकते हैं। ये मुल्तानी मिट्टी एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब करता है, जिसके पिंपल्स वाले स्किन है, पिंपल्स बहुत होता है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। आपका स्किन बिल्कुल सॉफ्ट साफ हो जाएगा। और ये हर लोग यूज कर सकते हैं,
मतलब आपके घर में हस्बैंड हो, भाई हो, पापा हो, कोई भी यूज कर सकता है। इसको आप बना करके मिक्स करके बाथरूम में रखिए और डेली यूज कीजिए। इसका एक चम्मच आप नहाने समय आप एक चम्मच इसका लीजिए हाथ में, एक चम्मच काफी है। उसमें बस पानी मिलाइए थोड़ा सा पतला जैसा बना के, और फेस वॉश की तरह हल्का मसाज करते हुए फेस को धो लीजिए। और इसमें चाहे तो आप रोज वाटर के साथ भी बना सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप पानी भी यूज कर सकती हैं, फेस रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं। जिसकी बहुत ड्राई स्किन है वो इसमें आप कच्चा दूध के साथ पेस्ट बना करके यूज कीजिए, और जिनकी ऑयली है वो चाहे तो दही भी यूज कर सकते हैं। इसमें नींबू का एक दो ड्रॉप जूस भी डाल सकते हैं, ये बहुत ही कमाल का है। इसको यूज कीजिए और फर्क खुद महसूस कीजिए। मैं खुद भी यूज करती हूँ। और आप रात में एक टाइम आप फेस वॉश यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप दिन भर अगर आप बाहर जाने वाले हैं तो धूप धूल पसीना से फेस आपका बिल्कुल ये डल सा हो जाता है, तब आप रात में आप फेस वॉश कीजिए। आप कोई सा भी माइल्ड फेस वॉश यूज करिए, उसके बाद तो आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर है, तो सुबह आपको फेस वॉश की जरूरत ही नहीं है। आप ये पाउडर सुबह तो जरूर ही यूज कीजिए और उसके बाद फर्क देखिए, आपको फर्क खुद महसूस होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।